हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। राइट, अभी कमीशन का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं। राइट, अभी थोड़ा टिपिकल से में थोड़ा मतलब है डेंजर है, फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा अलग है और थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में इजी सम नहीं आता, हार्ड वाला आता है। और स्टार्ट करते हैं। तो अनिता क्या दिया है, इस अलाउ 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स पे 6.5% कमीशन है। और बोनस कब मिलेगा, बोनस 1/2%, मतलब 0.5% बोनस ऑन सेल ओवर 20,000। अगर 20,000 के ऊपर माल बेची तो भी कितना मिलेगा, हाफ। और टोटल कमीशन मतलब उसने कितना कमाया वो दिया है, बट यू हैव टू फाइंड दी सेल्स, मतलब टोटल सेल्स नहीं दिया, ठीक है? तो पहले कमीशन का लिखेंगे वन। सबसे पहला लेट टोटल सेल्स बी एक्स, सेल्स नहीं दिया इसके लिए क्या लेंगे, इसको एक्स लेंगे, ठीक है, याद रखना। तो कमीशन, तो पहला कितना परसेंट कमीशन दिया है, 6.5% ऑन टोटल सेल्स दिया है, ठीक है? और 1/2% ऑन सेल अबाव 20,000। और उसका टोटल कमीशन कितना इनकम मिला, उसको टोटल कमीशन दिया है 3,400। मतलब ये तुम्हारा एक तरफ से क्वेश्चन हो गया, राइट? तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमीशन निकालेंगे, राइट? तो कमीशन एट 6.5% ऑन टोटल सेल्स, मतलब उसने जितना माल बेचा है उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो लेट टोटल सेल्स भी एक्स, टोटल सेल्स को क्या लिया, एक्स लिया है, क्योंकि इसकी तलाश है। और कितना टका मिला टोटल सेल्स पे, 6.5% ना। तो 6.5% का परसेंट मतलब 100 होता है, परसेंट मतलब 100, इसलिए 100 डाला। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे ना, तो जब दो जीरो ऊपर आ जाएगा तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, या फिर इसको साइड में रहने दो, तो इसको फर्स्ट बना दो, तो क्या बन गया ये मालूम है तुम्हारा, 6.5x/100। तो ये हो गया। और सेकेंड क्या किया है, सेकेंड कमीशन कितना मिला मालूम है, कि 0.5% मिला है। तो किस पे मिला मालूम है, सेल्स अबाव, सेल्स अबाउट 20,000, सेल्स अबाउट 20,000। तो 20,000 के ऊपर मतलब टोटल सेल्स में से 20,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल सेल्स को क्या लिया, एक्स। तो एक्स माइनस 20,000 के ऊपर उसको कितना टका कमीशन मिला गया मालूम है, 1.2% कमीशन। तो 1.2% कमीशन फिर कैसे लिखेंगे मालूम है, तो पहले टोटल सेल्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जो 20,000 के माल ऊपर बेचा है, तो एक्स तो है ही नहीं अपने पास, तो एक्स माइनस 20,000 लेंगे, इसके ऊपर इसको 1.2% मिला है। तो एक्स माइनस 20,000 ब्रैकेट होके 1/2%, मतलब 100 होता है, इसके लिए 1/100 आएगा, क्या आएगा, 1/100। तो इसको और अच्छे से सजा देंगे तो क्या मिलेगा मालूम है, एक्स माइनस 20,000, इसको ये सॉरी ऐसे ही रहेगा, लाइन नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200, ओके। तो ये हो गया कमीशन किसके ऊपर, हो गया 20,000 के ऊपर, और ये कमीशन टोटल सेल्स पे। पर इधर हम लोग को क्या दिया, टोटल कमीशन दिया है, राइट? तो टोटल कमीशन गिवन दिया अपने को, तो उसको कमीशन कितना मिला मालूम है, टोटल कमीशन 3,400। तभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें, क्योंकि एक इस पे कमीशन मिल रहा है, कि इस पे कमीशन मिल रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट कितना है, 6.5x/100 प्लस इसको ऐड करें, एक्स माइनस 20,000 1/200। तो टोटल कमीशन कितना मिला उसको, 3,400, मतलब 6.5% भी मिला, 8% भी मिला। पर अपने को ढूंढना क्या है, सेल्स ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सेल्स ढूंढना है। तो अभी सेल्स कैसे ढूंढेंगे और ट्राई करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले अपने को इसको क्या करने का, सॉल्व करने के। तो जब सॉल्व करेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, मैं भी अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो इधर 200 है, राइट? तो दिख रहा है ये 200, ये लाइन है ना, ये 200 है, ये 100 है। तो अगर इसको मुझे 200 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, ये इसको पार्ट को ऐसे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट है ना ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 आएगा, और इसको 2 से करूँगा तो 6.5 का डबल 13 हो जाएगा, 13x, कितना हो जाएगा, 13x। अब नीचे का देखो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब नीचे का नंबर सेम होता है तो ऊपर के नंबर जुड़ जाते हैं, ओके, इन लोग का मिलन हो जाएगा, नीचे 200 लिखेंगे, ठीक है? अब जब नीचे वाला नंबर जॉइंट हो गया है तो क्या करने का, अभी माने हो गया ये 13x, ओके, 13x है ना, तो ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, इंटू 200 होगा, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14x। 34 का डबल 68 होता है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ओके। ये माइनस 20,000 था, अभी माइनस को इधर क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे,
14x 680,000, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 680 पे 20 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 700,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। अब एक्स को क्या करेंगे 14 से डिवाइड कर देंगे, किससे 14 से, तो जब डिवाइड करेंगे तो अपने को 50,000 आएगा, कितना आएगा, तो उसने 50,000 का माल बेचा था, कितना का माल बेचा था 50,000, तो 50,000 के ऊपर उसको कितना कमीशन मिला मालूम है, टोटल सेल्स उसका 50,000 था, अभी सॉल्व करके आए तो 50,000 के ऊपर 6.5% कमीशन मिला, और 20,000 के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी बेचेगी मतलब 30,000, ये देखो ना 20,000 के ऊपर क्या था आधा परसेंट मिलेगा, मतलब उसने 50,000 का माल बेचा राइट, तो 30,000 पे उसको आधा टका कमीशन मिलेगा, तो ऐसा घुमा फिरा के बड़ा शब्द राइट, तो वापस से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, ध्यान देना पड़ेगा राइट। अब एक और बेसिक समय वाला करा देता हूँ, अभी इधर क्या दिया है सरस्वती ने वॉस पेड 88,000 कमीशन, मतलब अच्छा खासा कमीशन मिला है, तो कमीशन कितना मिला है 88,000, और कितना टका कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 12.5%, तो कमीशन का रेट दिया है 12.5%, ठीक है, और प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर, ईच का मतलब होता है एक कंप्यूटर 32,000 है, एक कंप्यूटर कितना 32,000 का, तो कंप्यूटर प्राइस 32,000 का कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसने कितना कंप्यूटर बेचा, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, तो मतलब 88,000 उसने कमाई है, 12.5% कमीशन है, और एक कंप्यूटर पर कितना मिल रहा है उसको 32,000 मिल रहा है, तो पहले एक काम करेंगे एक कंप्यूटर पर कमीशन निकालेंगे राइट, तो कमीशन ऑन वन कंप्यूटर राइट, कमीशन ऑन वन कंप्यूटर है ना, तो कितने का उसने, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है 32,000, 32,000 उस पर उसको 12.5% कमीशन मिला, मतलब एक कंप्यूटर बेचेगी तो उसको इतना कमीशन मिलेगा, तो पॉइंट हटेगा तो नंबर ज़ीरो बढ़ जाएगा ना, 3,0, 3,0 कैंसिल, 32 को 125 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4,000 उसका बन गया, मतलब एक कंप्यूटर बेचेगी 4,000 बनेगा, ओके, तो उसने कितना कंप्यूटर बेचा वो बताने का, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, तो बेच के कितना रुपया 88,000 आया, मतलब 88,000 से कमीशन कमाया है, कितना कमाया है 88,000 उसका इनकम हुआ है, और एक कंप्यूटर पे 4,000, तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो उसने 22 कंप्यूटर बेचा है, कितना कंप्यूटर बेचा, हर कंप्यूटर पे उसको 4,000 मिल रहा है, हर कंप्यूटर पे कितना मिल रहा है 4,000, इस तरह उसने 22 कंप्यूटर बेचा, जिस तरह से उसने 88,000 कमाया, कितना कमाया 88, तो ये आंसर था, ठीक है, तो बाकी का समय बाद में करा था, थोड़ा थक गया हूँ, और भी हेल्प कर दूंगा लेक्चर थ्योरी बना के कमीशन, क्योंकि कमीशन है भाई डेंजर समय, पैराग्राफ वाला समय, वर्ड प्रॉब्लम, बच्चे लोग को आता नहीं है, तो ट्राई करना पड़ेगा, ये वाला वीडियो इसको स्टार्टिंग से फिर से देखो शायद से आ जाएगा, दो बार देखेंगे तो ही आएगा, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।